8 से 10 फीट की दूरी पे आ चुका हूं, अभी भी इसका एयर थ्रो लेवल ठीक है। हाँ, आप देख सकते हैं ये एक पाइप टाइप का बना हुआ है जिसमें आप छिद्र देख सकते हैं और इन छेद में से हनीकॉम्ब पैड पे पानी गिरता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम टाटा के प्रोडक्ट वोल्टास के एक डेजर्ट कूलर की अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका रिव्यूज करेंगे कि दोस्तों ये कूलर हमारे लिए कैसा होने वाला है। सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा कूलर है, इसका एयर थ्रो बहुत अच्छा है और पावर एफिशियंस है। तो दोस्तों चलिए इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं इस कूलर का पावर कितना है, ये कितना एयर थ्रो करता है, कितनी कूलिंग करता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे इस प्रोडक्ट में कितना दम है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस प्रोडक्ट के बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम लिखा है इवापोरेटिव एयर कूलर, मॉडल नंबर है ग्रैंड 52, प्रोडक्ट कोड है ये, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि ये 190 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। बाकी से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे। दोस्तों बॉक्स के हटाने पर इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है, अभी इसके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ी हुई है, इसे भी हम हटाते हैं। दोस्तों इसके फर्स्ट लुक की बात करें, इसके डिजाइन की बात करें तो माइंड ब्लोइंग इसका लुक है, काफी जबरदस्त है। आप देख सकते हैं मतलब कि बिल्कुल ऑसम लुक है इसका। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कमाल का लुक है। चार व्हील्स भी रखे हुए हैं, अभी व्हील्स लगाना बाकी है तो मैंने अभी साइड में वहां पर रख दिया है, व्हील्स बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे। फिलहाल मैं चारों तरफ से इसको दिखा दूं आपको, ये इसका साइड लुक है, चारों तरफ से हनीकॉम्ब पैड दिए हुए हैं। पीछे के इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं, इसके पीछे का पार्ट्स, पीछे भी एक चौड़ा और लंबा चौड़ा हनीकॉम्ब पैड दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर इनलेट का जगह दिया है, पाइप डाल के इसमें पानी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से मैनुअल भी पानी डाल सकते हैं, यहाँ पे जगह दी हुई है। पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, ओवरऑल टंकी 52 लीटर की है। और अब दोस्तों मैं आपके इसके फीचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टाटा प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्रैंड का लोगो बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है वोल्टास। दोस्तों यहाँ पे तीन आपको कंट्रोलर मिल जाते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे ऑफ ऑन का बटन दिया हुआ है, आप पावर को ऑफ ऑन कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे स्विच भी लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, इसमें तीन स्पीड हैं, हाई, मीडियम एंड लो। यहाँ पे आप अभी ऑफ कर सकते हैं इसको करके, इसके बटन जो इसके नॉब्स काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। फिर यहाँ पे दोस्तों कूल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से पंप को स्टार्ट करके बंद कर सकते हैं, मतलब दिल खुश कर दिया इसके लुक ने और इसके सिस्टम ने। दोस्तों यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रे कलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एयर थ्रो करने का एक ब्लोअर टाइप का दिया हुआ है, मतलब कमाल का डिज़ाइन दिया हुआ है। नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है और फिर नीचे चार व्हील्स लग जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे फिलहाल में साइड में रखे हैं, मैं इसे बाद में लगा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे अप एंड डाउन कंट्रोल करने का, विंग्स कंट्रोल करने का सिस्टम जो है आप देख सकते हैं, विंग्स को आप यहाँ से अप एंड डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे वाला कंट्रोल होता है। और दोस्तों अंदर का जो पार्ट है ये ऑटो स्विंग है, ये तो मोटर से ऑपरेट होता है यहाँ से बटन से। और दोस्तों यहाँ पे ये वायर दी हुई करीब 1.5 मीटर की वायर है। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे फर्स्ट बात है दोस्तों ये टाटा का प्रोडक्ट है वोल्टास। दोस्तों लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में ये तो नंबर वन है, मतलब कि कमाल की इसकी बिल्ड क्वालिटी और कमाल का इसका लुक है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात कर लीजिए कुछ फीचर्स की, तो दोस्तों इसमें कंपनी कहते हैं इसमें टर्बो एयर थ्रो दिया हुआ है जो कि हवा को काफी तेज थ्रो करता है। दूसरी बात इसमें हनीकॉम्ब पैड दिए हुए हैं और दोस्तों ये इन्वर्टर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 190 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। और दोस्तों ये डेजर्ट कूलर 40 स्क्वायर मीटर वाले रूम को भी कवर कर सकता है। दोस्तों साथ ही साथ कंपनी ये भी कहती है कि ये लो नॉइज प्रोड्यूस करता है, यानी कि हल्ला उतना नहीं करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी 1 साल का वारंटी देती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके फीचर्स। दोस्तों इसके पीछे के पैनल को खोलना काफ़ी आसान है, मतलब कि बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से यहाँ पे तीन नट बोल्ट दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से आप खोल सकते हैं। देख सकते हैं कूलर के बैक का पार्ट कैसा है, यानी कूलर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये यूँ कह सकते हैं बिहाइंड द कूलर है। दोस्तों मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विंग करने का मोटर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 4 डायने दिए हुए, 4 डायने दिए हुए हैं,
जो कि काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप हनीकॉम पैड देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो टोटल मटेरियल प्लास्टिक के बने हुए हैं, नीचे आप टंकी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे वाटर टैंक वाटर पंप दिया हुआ है, जिसके यहाँ से पानी चढ़ के और ये ऐसे होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई होते हैं इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पाइप टाइप का बना हुआ है, जिसमें आप छिद्र देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये चारों तरफ से इस तरह से, और इन छेद में से हनीकॉम पैड पे पानी गिरता है और हनीकॉम की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी खासी है। हनीकॉम पैड की थिकनेस है आप देख सकते हैं, इतनी इसकी मोटाई है, तो यही है। तो अब हम इस वोल्टास के ग्रैंड कूलर का एयर थ्रो चेक करेंगे, साथ ही साथ चेक करेंगे इसका नॉइज लेवल क्या है और ये कितना एयर डिलीवर करता है और एरिया में। तो दोस्तों चलिए, मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है और इस कपड़े से हम देखेंगे कि इसका एयर थ्रो का लेवल क्या है। दोस्तों उस कूलर से लेके इस कैमरे की दूरी करीब 10 फीट है, तो इससे पता चल जाएगा कि 10 फीट की दूरी में ये कूलर कितना हवा डिलीवर करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कूलर स्टार्ट हो गया है और इसको मैंने फुल लेवल पे रखा है, यानी कि स्पीड इसकी फुल है और आप देख सकते हैं ये कॉटन कपड़ा कैसे लहरा रहा है, इससे आपको पता चल रहा है इसका एयर थ्रो कैसा है। मैं 8 से 10 फीट की दूरी पर आ चुका हूँ, अभी भी इसका एयर थ्रो लेवल लगभग ठीक है और दोस्तों ये चारों तरफ हवा को डिलीवर कर रहा है। दोस्तों साथ ही साथ इसका आप नॉइज लेवल भी सुन सकते होंगे, कूलर में नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी एयर थ्रो अच्छा है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने इसका एयर थ्रो चेक किया, इसकी कूलिंग कैपेसिटी चेक की और साथ ही साथ मैंने इसका नॉइज लेवल भी चेक किया। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की, इस कूलर की खास बातें क्या है और इस कूलर की कमियाँ क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बारी बारी से एक्सप्लेन करो, बिल्ड क्वालिटी में ये कूलर नंबर वन है, डिजाइन में ये कूलर नंबर वन है। बात करें एयर थ्रो की तो बहुत अच्छा एयर थ्रो कर रहा है, कूलिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है, हर कुछ अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसमें कमी जो है एक ही है कि इसका जो नॉइज लेवल है थोड़ा सा ज्यादा है, नॉइज थोड़ा सा ज्यादा है, हल्ला थोड़ा सा ज्यादा करता है। तो और दूसरी बात है कि जितने प्राइस में ये आ रहा है, अप्रॉक्स मैंने इसे 11.5-12 हज़ार के रेंज में लिया है। वैसे तो कूलर का दाम सीजन के अनुसार सब बढ़ता घटता रहता है, लेकिन अभी मैंने इसे 11.5-12 हज़ार के लगभग में परचेस किया है। तो दोस्तों जिस प्राइस लेवल में ये कूलर है, उस प्राइस लेवल में इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं है, मतलब कि इसमें आइस चेम्बर नहीं है। अगर दोस्तों इस कूलर में आइस चेम्बर होता और वाटर ड्रेन करने का सिस्टम होता तो दोस्तों ये कूलर परफेक्ट कूलर होता, नॉइज लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए तो। बाकी ओवरऑल कूलर बहुत अच्छा है, लेने लायक है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मजबूती को अगर मायने रखते हैं तो ये कूलर बेस्ट है, अपने बजट में तो बेस्ट ही है। दोस्तों बहुत हैवी कूलर है, आप देख सकते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है और डिजाइन के मामले में तो दिल खुश कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।